फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें आज अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? तो नेचुरल वेजिटेशन वो चीज़ है, ऐसे प्लांट कम्युनिटी है जिसको कि ह्यूमन ने इंटरप्ट नहीं किया, जो लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रहे और अपने आप उगी है, अपनी मर्जी से उगी है और अपनी मर्जी से ग्रो कर रही है। इंडिया क्या है, बहुत ग्रेट वेराइटी पाई जाती है यहाँ पर प्लांट की, स्पीशीज़ की भी और नेचुरल वेजिटेशन की भी, एनिमल्स की भी। फॉरेस्ट के टाइप्स की बात करें तो इंडिया के फॉरेस्ट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड आता है ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, थर्ड आता है ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट, फोर्थ आता है माउंटेन फॉरेस्ट जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोल सॉरी पहाड़ी फॉरेस्ट हिल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एंड फिफ्थ आता है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन की और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इसके लिए मैप को रेफ़र कीजिए कि कहाँ पे कौन से मैप हैं। तो अब हम जो ये फॉरेस्ट हैं या जो भी वेजिटेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक तो टेम्परेचर को ध्यान में रखते हैं, दूसरा प्रेसिपिटेशन को ध्यान में रखते हैं कि वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, उसी के आधार पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, ये वेस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट का, वहाँ पाए जाते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जो हिली रीजन्स हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड से वहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा और टेम्परेचर 22 डिग्री से ऊपर रहता है, ठीक है। ये वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब कैनोपी यहाँ पे बहुत अच्छी सी बनती है, मतलब नीचे छोटी झाड़ियाँ होंगी, घास होगी, छोटी झाड़ियाँ होंगी, क्रिपर्स होंगे, क्रिपर्स मतलब बेल है ना, फिर उसका छोटे ट्री, फिर बड़े ट्री और फिर उनसे भी बड़े ट्री, इस तरीके की यहाँ पे कैनोपी बनती है। और जो सूरज की लाइट है वो कभी कभी तो जो लैंड होती है लैंड तक पहुँच ही नहीं पाती है। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो 60 मीटर और उससे भी ज़्यादा ऊंचाई के हो सकते हैं। यहाँ पे जो पेड़ हैं वो उनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि कब वो अपनी पत्तियाँ कब झाड़ेंगे, कब फूल आएंगे, कब उनमें फ्रूट आएंगे। सारे ट्रीज़ अलग अलग समय पे अपनी पत्तियाँ झाड़ते हैं और कुछ पत्तियाँ झाड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी एक साथ झाड़ती हैं, ठीक है। तो नई पत्तियाँ हमेशा साल भर आती रहती है, तो इस वजह से क्या हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री पाए जाते हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी, ये पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो ये क्या एक मिक्सचर होता है एवरग्रीन का और मॉइस्ट डेसीड्यूस के बीच का जो ट्रांजेंट एरिया होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे वाइट सिडार, हॉलॉक और केल नाम की जो प्रजातियाँ हैं पेड़ों की वो पाई जाती है। पेज नंबर 66 का मैप देखें कहाँ पे कौन से मैप हैं, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बहुत चालाक खोपड़ी थे, उन्होंने सोचा कि भाई इतने फॉरेस्ट हैं तो इनका बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू है, तो हम इनका क्या इनको भी लूट लेते हैं, एक्सप्लोइटेशन कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो नेचुरल स्ट्रक्चर था उसको ही चेंज कर दिया, जो इकोनॉमिक काम की जो चीज़ें थी वो उन्होंने वहाँ पे उगाई, मतलब कि जैसे ओक के फॉरेस्ट उन्होंने उत्तराखंड में पाइन के जो पाइन से रिप्लेस कर दिए, मतलब जहाँ पे ओक फॉरेस्ट होते थे वहाँ पे अब उन्होंने पाइन के पेड़ लगा दिए ताकि उनसे उनको लकड़ी मिले, रेलवे के लिए उनको मटेरियल रॉ मटेरियल मिल जाए लकड़ी के रूप में। और उन्होंने क्या किया, चाय, रबड़ और कॉफ़ी के प्लांट्स लगाए ताकि उनको पैसा मिले, और टिम्बर के लिए भी उनको लकड़ी मिल जाती थी, ऐसे वाले पेड़ उन्होंने लगाए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट की। तो जो ये सबसे ज़्यादा इंडिया में ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसको क्या ब्रॉडली अगर देखा जाए तो यहाँ पे बरसात जो है 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की बरसात होती है सालाना, लेकिन इनको क्या हमने और दो भागों में डिवाइड कर दिया, फर्दर दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो होता है मॉइस्ट डेसीड्यूस, दूसरा होता है ड्राई डेसीड्यूस फॉरेस्ट। तो अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉइस्ट डेसीड्यूस फॉरेस्ट की। तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात होती है उन एरियाज़ में पाया जाता है। तो इसके अंदर जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, हिमालय की फुट हिल्स में, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप है, उड़ीसा है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पेड़ कौन कौन से होते हैं, इसमें टील, साग, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमूल, कुसुम, सैंडलवुड, इनके पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है ड्राई डेसीड्यूस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसीड्यूस क्या, ये बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं कंट्री में, और इनकी जो रेनफॉल है वो जो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल होती है वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनमें दो मार्जिन होते हैं, कैसे, एक तो जो वेटर मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे मॉइस्ट डेसीड्यूस पाए जाते हैं, जबकि जो इनके ड्रायर मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे थोर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब जहाँ 70 से कम होगी वहाँ पे ऑब्वियसली थोर्नी टाइप के पेड़ आ जाएंगे। फिर तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो पेनिनसुला है वहाँ पे पाए जाते हैं, और उसके अलावा यूपी एंड बिहार में। तो यहाँ पे क्या ऐसे पेजेस पाए जाते हैं जहाँ पे ट्री भी होते हैं और ग्रासेस भी होती है, ठीक है। तो टीक के जैसे पेड़ हो गए और उनके बीच में ग्रासेस के पिच भी होते हैं। तो ये जो पेड़ होते हैं डेसीड्यूस वाले, ये क्या करते हैं, ये अपनी पत्तियाँ पूरी तरह झाड़ देते हैं किसी पर्टिकुलर सीज़न में। तो मोस्टली जो ड्राई सीज़न होता है उस समय ये अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं ताकि मॉइस्चर को बचा सके। तो उस समय बिल्कुल नंगे पेड़ हो जाते हैं और सिर्फ हमें ग्रासलैंड दिखाई देने देते हैं।
और इनके अंदर पेड़ कौन कौन से होते हैं, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खेर, एक्जलवुड, ये सारे पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये उसके अलावा और कौन सा एरिया है, वेस्टर्न एंड साउथर्न राजस्थान है, वहाँ पे भी ये पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन इतने दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो बारिश भी कम है, फिर वहाँ पे बेचारे ढांडू क्या खिलेंगे, तो जो होगा वही खिलेंगे, तो ओवर ग्रेजिंग हो गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। तो ये 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें मेनली ग्रासेस एंड श्रब्स पाई जाती है, मतलब घास और झाड़ियाँ। ठीक है, तो ये जो सेमी एरिड एरिया है वेस्ट पंजाब का, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर पाए जाते हैं ऐसे। तो इनमें क्या पत्तियाँ इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और होती भी है तो छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, और पानी को बचाने के सारे उपाय पेड़ लगा लेते हैं। तो इसके अंदर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम मतलब खजूरे, खेर, नीम, खेजड़ी, पलाश, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रासेस भी होती है, जैसे कि एक घास का नाम दे रखा है टुसोस्की। टुसोस्की ग्रास है, वो लगभग 2 मीटर हाइट तक की होती है, ये भी इन एरियाज़ में काफ़ी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब है कि जो माउंटेन्स में पाए जाते हैं, हिली एरिया में। तो यहाँ पे क्या है, जो जैसे जैसे टेम्परेचर ऊंचाई की ओर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, कि भाई हो सकता है नीचे फुट हिल्स में एवरग्रीन भी पाई जा रहे हों, फिर उसके बाद डेसीडियस, फिर टेम्परेट, फिर अल्पाइन, टुंड्रा, इस तरीके की इसमें प्लांट्स का ऊंचाई के अनुसार चेंज हो जाता है। तो इसको 2 भागों में क्लासीफाई किया है, एक तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और दूसरा साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो जो नॉर्दर्न है उसके अंदर क्या हम हिमालयन रेंजेस वाले पेड़ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रॉपिकल से लेकर टुंड्रा तक की जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई के अनुसार है कि भाई सबसे नीचे ट्रॉपिकल पाए जाएंगे, 1000 से 2000 तक में ऊंचाई में टेम्परेट पाया जाएगा, फिर उसके बाद एवरग्रीन आ जाएगा जो कि बड़ी पत्तियों वाले हैं, ओक और चेस्टनट टाइप के आ जाएंगे। कहाँ पे 1500 से लेकर 1750 मीटर तक में, इनको पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे चीड़, पाइन, देवदार, ये सब पाए जाते हैं। और जो देवदार का पेड़ है वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ में होता है, मतलब इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा होता है। और जो चिनार और वालनट के जो पेड़ होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और इनसे प्रसिद्ध कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट बनता है, चिनार और वालनट से, तो याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ब्लू पाइन और स्प्रूस भी पाए जाते हैं 2500 से ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेट ग्रास लैंड्स आ जाते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे अल्पाइन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च, रोज, रोडोडेंड्रोन, इस तरह के वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और 3000 से 4000 मीटर के ऊपर फिर तो बर्फ़ ही आ जाती है। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी पाई जाती है, जैसे गुज्जर, बकरवाल, भूतिया और गड्डीज़। ठीक है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, याद रखें। और हायर पे अपन ने देखा बर्फ़ की आ जाती है, वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन भी पाई जाती है, मॉसेस एंड लाइकेंस पाए जाते हैं। तो इसको एक ट्राइंगल बना के एक मैं फ़ोटो अपलोड कर दूँगी, वो फ़ोटो देखें, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पिक फोल्डर में। अब हम साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें, तो ये कहाँ पे, ये जो वेस्टर्न घाट और विंध्याचल मतलब पेनिनसुलार के जितने भी पर्वत हैं वहाँ पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इनकी पर्वतों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो एवरेज इनकी लगभग 1500 मीटर ही ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं। जैसे जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं तो उनको शोला फॉरेस्ट कहते हैं, नीलगिरी के अंदर और अन्नामलई और पालिनी हिल के अंदर, मतलब कि साउथ के अंदर केरला के और तमिलनाडु के एरिया में और कुछ कर्नाटका के एरिया में इनको शोला फॉरेस्ट नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पे जैसे मैग्नोलिया, लॉरेल, सिनकोना और वटल, इस तरह के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं जिनका कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा होता है। ये सतपुड़ा और स्मेकाल रेंजेस हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट की, जिसको हम वो भी कहते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या वेटलैंड हैबिटेट्स हैं। तो इंडिया का जो 70% वेटलैंड है वो पेडी कल्टिवेशन का जो एरिया है वो बनाता है। ठीक है, अब इनमें 2 वेटलैंड साइट इंपॉर्टेंट है, एक तो है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है, दूसरी है केवला देव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों जो है रामसर कन्वेंशन में भी आती है। अब वेटलैंड्स को क्या किया, 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जैसे कि भाई डेक्कन प्लेटू में लगून्स हो गई, फिर उसके बाद वेस्ट कोस्ट के आसपास कौन सी हैं, फिर सलाइन झील कौन सी है, फ्रेश वाटर लेक्स कौन सी है। ठीक है, और उसके अलावा डेल्टा में कौन सी लेक इस तरीके से हैं, फ्लड प्लेन्स में कौन सी है, तो इनको आप यहाँ पे पेज नंबर 68 पे देख सकते हो। फिर ग्लेशियर लेक्स भी हैं। अब मैंग्रोव की बात करें तो जो अंडमान निकोबार उसके अलावा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो क्या है कि साल्ट मार्शेस होती हैं, टाइडल क्रीक्स और जो मड फ्लैट्स और एस्चुरीज होती हैं उनके मुहाने पे ये
फॉरेस्ट उगते हैं, ठीक है। तो ये क्या साल टॉलरेंट स्पीसीज़ होती है, जैसे सुंदरी ट्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि वाटर जो है क्रीक्स में आके भर जाता है और स्टैग्नेंट हो जाता है, उसकी वजह से दलदल भी बन जाते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो पूरी दुनिया का 7% जो है वो इंडिया के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। और महानदी, गोदावरी नदी डेल्टा में भी ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर लगभग 23.28% मतलब 23.28% जो है टोटल लैंड एरिया का वो फॉरेस्ट है, ठीक है। एक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, तो उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसका डेटा देख लें कि कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। जो हमने कुछ समय पहले न्यूज़ में भी पढ़ा है, बट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन की। तो इंडिया में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी है वो सबसे पहले क्या 1952 के अंदर अडॉप्ट की गई, फिर उसके अंदर उसमें 1988 में जब सोनू और सोनू का सोनू दोनों जन्मे तब उसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और अभी भी रिसेंट कोई फॉरेस्ट पॉलिसी आई है तो उसको भी अच्छे से देख लेना है। तो फॉरेस्ट पॉलिसी का एम क्या था, एम इसके ये है कि हमको 33% जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है उसको फॉरेस्ट कवर के अंडर लाना है। एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक पूल को बना के रखना है, और सॉयल इरोजन को बचाना है, डेजर्ट लैंड को एक्सपेंशन होने से रोकना है, फ्लड एंड ड्रॉट्स को कंट्रोल करना है। इस तरीके से आप और भी यहाँ पे हैं, पेज नंबर 70 पे आप देख सकते हो। अब एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 200 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स है 188 डिस्ट्रिक्ट्स उनको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पे आइडेंटिफाई किया गया है। जो और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हीं में लगभग 60% जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो वहाँ पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री की। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट करना और प्रोटेक्शन करना, किसका, फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का, और एफॉरेस्टेशन को मतलब कि जो बंजर ज़मीन है या जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पे हमको फॉरेस्ट लगाने हैं एनवायरनमेंट को, ताकि एनवायरनमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट को हेल्प मिले, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ऐसा काम करना है जिससे सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को हम बनाए रख सकें। फिर एक है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1976 के अंदर बना था ये। तो इसने क्या किया, इसने सोशल फॉरेस्ट्री को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। एक एक को देखते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि जो एरिया खाली पड़े हैं या जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट जगह हो गई उनके आसपास, अर्बन सेंटर्स के आसपास हमको पेड़ लगाने, ग्रीन बेल्ट बनाने, जैसे पार्क बना दिए, रोड साइड जो रोड के आजू बाजू पेड़ लगा दिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर रूरल फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री, दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर क्या है, जो खेत हैं, खेत के आजू जो उसकी जो पाली होती है जिसको हम कह सकते हैं, उसकी साइड में जो जगह खाली होती है वहाँ पे पेड़ लगाओ, ठीक है। और जो वेस्ट पेजेस, ऐसी खाली पेज पड़े हैं, खाली जगह पड़ी उस पे पेड़ लगाओ। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो पब्लिक लैंड होती है या जो कम्युनिटी लैंड होती है उसके ऊपर पेड़ लगाओ, ठीक है, घरों के बाहर, रोड के दोनों तरफ, और जो खाली पड़े रेलवे स्टेशन या जो भी हैं एरिया, जो भी खाली पड़ा है स्कूल वगैरह, सब जगह पेड़ लगाओ, ठीक है। और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो ताकि जो कम्युनिटी है वो अपने पेड़ों का महत्व समझ सके और उसके साथ मिलकर उनको बचा सके। फिर नेक्स्ट आता है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है, फार्मर्स ऐसे पेड़ लगाएं अपनी पाड़ियों पे, खेतों की पाड़ियों पे, जिनका कमर्शियल उपयोग होता हो, ठीक है, या फिर नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। तो वाइल्ड लाइफ में भाई इनको किस वजह से नुकसान हुआ, तो इसके लिए एक्सप्लोइटेशन, रैपिड एक्सप्लोइटेशन हो गया, इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने के कारण ज़मीनें क्लियर करनी गई, ह्यूमन इतने बढ़ गए कि उनको अपने खेत के लिए ज़मीनें कर, प्रेशर पड़ गया फॉरेस्ट के ऊपर, ग्रेजिंग, हंटिंग, पोचिंग और फायर, इन सब की वजह से ये नष्ट हुए हैं। और इको टूरिज्म भी एक चीज़ है जिसको प्रमोट किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या, बेचारे जो वाइल्ड लाइफ है उनके रहने खाने पीने की जगह ही नहीं बची है, इंसानों ने हर जगह कब्जा कर लिया। तो 1972 के अंदर कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया, ठीक है, जो कि इंडिया में रेस्पॉन्सिबल है इनके प्रोटेक्शन के लिए। ये एक लीगल फ्रेमवर्क है कंजर्वेशन का भी और प्रोटेक्शन का भी। इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई पहले तो उनको क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, और इसकी शेड्यूल्स में आती है, हमने पढ़ा शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 जो भी शेड्यूल्स हैं इसकी वो एक बार रिवाइज कर लें, और दूसरा उसको कि लीगल सपोर्ट दो और कंजर्वेशन करो उनका एरिया को, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर हमने क्या, इसको क्लासिफाई कर दिया, नेशनल पार्क बना दिए, सेंचुरीज बना दी, क्लोज्ड एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट, इस तरीके से हमने इनको बना दिया। तो आज नया रिसेंट डेटा देख ले मैं, और बाकी इसमें दे रखा है कि 103 नेशनल पार्क है और 550 के लगभग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब जो स्पेशल स्टेप्स है, कुछ स्पेशल स्पीसीज हो गई, कुछ फ्लोरा एंड फोना हो गया जो कि इंडेंजर्ड है या जिनको बचाने की ज़रूरत है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के साथ मिलकर मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया है,
ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ स्पेशल स्कीम्स भी चलाई है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 से स्टार्ट की गई, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से स्टार्ट किया गया। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरे को अच्छा लगा, उसको टैगलाइन के रूप में भी हम एज इट इज़ पेल सकते हैं, तो पेज नंबर 71 से देख ले मैं आप ये। तो इसका जो एम है क्या है कि इनकी पॉपुलेशन को बनाए रखना ताकि साइंटिफिक, एस्थेटिक, कल्चरल, इकोलॉजिक वैल्यूज़ को हम प्रिजर्व कर सकें, किसी एरिया की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को और उसकी नेचुरल हेरिटेज को हम बेनिफिट उसका हम बेनिफिट ले सकें, ठीक है। ये उसका एम है, ऑब्जेक्टिव है, तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको। तो इसमें बता रखा है कि 44 टाइगर रिजर्व है, बट आई थिंक रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से अभी 51 टाइगर रिजर्व को देने की बात हो रही है, तो 50 तो ही है आज की तारीख में, ठीक है। और ये लगभग 17-18 स्टेट्स के अंदर फैले हुए हैं। कुछ और प्रोग्राम्स भी चलाए हैं जैसे कि क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगुल, कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर, ये भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए गए। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये पेज नंबर 72 पे लिस्ट दे रखी है, देख ले मैं। और इनमें से कौन कौन से हमारे यहाँ पे 18-19 बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं उसमें से कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं उन सबको देख ले मैं, और रिसेंटली किसको दर्जा दिया गया वो भी देख लें। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको बताने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव तीन ऑब्जेक्टिव है इसके, तो 72 नंबर पेज पे अच्छा सा चार्ट दे रखा है, इसको देख लें। तो सबसे पहला है कंजर्वेशन करना, किसका, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम का। दूसरा है डेवलपमेंट करना एनवायरनमेंट का, और वो लोग जो वो सब जो एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड है उन सबको डेवलप करना। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है इसका लॉजिस्टिक, मतलब जो इंटरनेशनल नेटवर्क है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग का उसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, और ये सितंबर 1986 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये क्या बहुत बड़ा एरिया है और सबसे बड़ा भी है आई थिंक, है ना। तो इसके अंदर क्या बहुत सारी सेंचुरीज आती है, जैसे कि वैनाद, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमुलई, और उसके अलावा नीलांबूर, अपर नीलगिरी प्लेटू, साइलेंट वैली, सिरुवानी, ये सारे जो एरिया है इसके अंदर आता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसने कि भाई इनमें से कौन सा एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख ले मैं, रट ले मैं। और इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है इंडिया का, ठीक है, वेस्टर्न घाट के ऊपर है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, बहुत सारी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, जैसे कि स्क्रब्स हो गई और ड्राई एंड मॉस डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन सारे फॉरेस्ट हो गए जिनको हम शोला फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं, स्वैम्प्स भी हैं, और यहाँ पे दो एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज भी पाई जाती है जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, एक है नीलगिरी टहर और दूसरी है लॉयन टेल मकॉक। उसके अलावा कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो नॉर्मली एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर, चीतल, ये सब पाए जाते हैं। और इस एरिया में काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स भी रहते हैं, तो वो सब भी आप देख के अच्छे से याद कर ले। और यहाँ पे माना जाता है कि जो वेस्टर्न घाट के 80% फ्लावरिंग प्लांट है वो नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये उत्तराखंड के अंदर है और यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और पेड़ पौधे यहाँ कौन से होते हैं, तो सिल्वर वीड, ऑर्चिड, एक होता है लेटीफोली, ये इस तरीके के यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा एक और है जो एग्ज़ाम में पूछा भी हुआ है, रोडोडेंड्रोन करके, ठीक है, ये भी पेड़ यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे जो फोना है, ठीक है, मतलब डांडेडोर, वो काफ़ी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है उनकी, जैसे कि स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, स्नो कॉक, गोल्डन ईगल, ब्लैक ईगल, ये सब यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और मेडिसिनल यूज़ के काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की, ये क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि स्वैम्पी डेल्टा है वहाँ पे पाया जाता है, और साथ में यहाँ पे कुछ फॉरेस्टेड आइलैंड्स भी हैं, तो ये बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे 200 के आसपास बर्ड स्पीसीज भी पाई जाती है जो काफ़ी रिच है एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के मामले में। तो यहाँ पे क्या होता है, सलाइन एंड फ्रेश वाटर का मिक्स एनवायरनमेंट होता है, इसकी वजह से जो यहाँ के टाइगर्स हैं वो भी बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। और फिर यहाँ पे जो चीतल डियर, बार्किंग डियर और वाइल्ड पिक पाए जाते हैं, और कभी कभी तो मकाक को भी खा जाते हैं, तो मतलब कि यहाँ काफ़ी अच्छे शिकारी हैं बंगाल टाइगर्स। उसके अलावा एक पेड़ की स्पीसीज होती है, ठीक है, हैरी टियरा फॉर्म्स क्या मैंग्रोव ट्रीज की स्पीसीज है। तो इसके अंदर जैसे सुंदरी ट्री था ना, सुंदरी, सुंदर और जेके नाजो, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये जो है साउथ ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है, तमिलनाडु के वहाँ पे सबसे नीचे पाया जाता है गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। तो ये क्या दुनिया का सबसे रिचेस्ट रीजन है मरीन बायोडाइवर्सिटी को लेकर, तो यहाँ पे 21 आइलैंड्स हैं, उसके अलावा एस्चुरीज, बीच, फॉरेस्ट, ये सब भी हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो यहाँ पे सी ग्रासेस, कोरल रीफ्स, साल्ट मार्शेस, मैंग्रोव्स, ये सब पाए जाते हैं। तो
तो लगभग ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 3600 से भी ज़्यादा प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं, ठीक है। उनमें से कुछ एंडेंजर्ड भी हैं, जैसे सी काउ जिसको डुगोंग डुगोन कहते हैं, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो अच्छे से याद कर लें। इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। थैंक यू।